नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. श्रीराम कथा संदेश सप्ताहात परमपूज्य श्रद्धेय स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज यांनी आपल्या वाणीतून श्रीराम कथा करत भक्तांना मंत्रमुग्ध केले. गोरक्षण परिसरात ठेवण्यात आलेल्या या श्रीराम कथा सप्ताहात कल्की, विश्वगुरु माऊली व हनुमंताच्या मूर्तीचे दर्शन स्वामी गोविंददेवजी गिरीजी महाराज यांनी घेतले. श्री प्रतापजी काशीकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला विश्वगुरु माऊलीची ही प्रतिमा विविध मान्यवरांच्या दर्शनास पात्र ठरली. तसेच विविध मान्यवरांनी आपल्या प्रतिक्रिया या सप्ताहात भेट दिल्यावर दिल्या. सबसे पहले तो आज दत्त जयंती का दिन है और उसी के उपलक्ष्य में सभी को दत्त जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ. आज जिस पावन भूमि पे हम सब खड़े हैं, जहाँ पे राम कथा चल रही है और जो कथा हम जिनके मुख से इस वाणी को सुन रहे हैं, ऐसे गोविंद गिरी जी को मैं अभिवादन करती हूँ. और आप देख सकते हैं हमारे पीछे त्रिमुख देवी बैठे हुए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा का रूप है, महाशक्ति का रूप है, महाकाली का रूप है. तो आज मैं उनको भी अभिवादन करते हुए कहूँगी कि ये एक शुरुआत है हमारे विश्व गुरु भारत बनने की. ये जब हमने इसकी शुरुआत मिशन मोटिवेशन की थी, उसका विजन ये था कि हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना है. और मुझे यकीन है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जो सपना हम सब भारतीयों ने देखा था कि हमें राम मंदिर चाहिए अयोध्या में, वो अभी अगले महीने में 22 तारीख को पूरा होने वाला है. और ये भारतीयों के लिए एक स्वर्ण दिन कहलाएगा, क्योंकि हमें एक विश्व रूप, एक विश्व भारत का रूप की जानकारी और एक शुरुआत वहाँ से होने वाली है. और जिसकी शुरुआत 22 जनवरी को अयोध्या में होगी, मुझे लगता है आज उसकी शुरुआत नागपुर में हमारे ट्रस्टी जो है अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उनके ट्रेजरर यहाँ गुरुजी है, गोविंद गुरुजी, उनके वाणी से हम लोग आज राम कथा सुन रहे हैं. ये हमारा भाग्य, हमने समझना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी प्रताप गुरुजी ने या मिशन मोटिवेशन ने जो सपना देखा है, एक बहुत ही जल्दी कामयाब होंगे और हम भारत विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है. और हम बहुत जल्दी इस सपने को पूरा करने की पूरे मन तन मन धन से कोशिश करेंगे. धन्यवाद. बहुत ही बेहद ही खुश हैं हम सब ये बताते हुए कि ये जो विश्व गुरु माऊली की जो भी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, अत्यंत क्रिएटिव है. आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये घोड़े पर सवार है, एक अलग ही, उन्होंने हाथ में आखी पृथ्वी धरी हुई है, पकड़ी हुई है. उसी प्रकार फाइबर की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, वो भी है. और एक साक्षात अन्नपूर्णा देवी का रूप वे लें और घर घर में वो पहुँचें, यही हम दिल से कामना करते हैं. साथ ही में ब्रास की भी यहाँ पे भारत माता की मूर्ति है, वो भी इतनी रेखीय, इतनी बेहद सुंदर है कि उन्हें देखते ही हमें अपनी, मतलब भारत माता बोलने से क्या है, और हमें और कुछ नहीं चाहिए सच्ची. और मैं सबसे महत्वपूर्ण एक बात यही कहना चाहूँगी कि घर घर में राम हो, और उसी के लिए ये सब हमारे गोविंद देव गुरु जी जो सब राम कथा कर रहे हैं. हाँ, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हर कोई अलग अलग कथाएं आयोजित कर रहे हैं, और उसी प्रकार हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर भारतीय में एक राम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आज की इस डेट में. और इसलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब रोज़ हनुमान चालीसा, राम रक्षा ये ज़रूर बोले. और निश्चित ही हम लोग बहुत 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 बेहद खुशनसीब है कि इस ईरा में हमने जन्म लिया है, इस ईरा में हम हैं. और साक्षात अपनी आँखों से, अपने इन नेत्रों से हम श्री राम लला की प्रतिष्ठापना होते हुए वहाँ अयोध्या में देखेंगे. 22 जनवरी की हम राह देख रहे हैं. कोटि कोटि धन्यवाद. नमस्कार, मैं विकास शर्मा. मिशन मोटिवेशन के साथ में जुड़े होकर मुझे जो यहाँ पे खुशी महसूस हो रही है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता. इसके साथ में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता पंजाबी ब्राह्मण एसोसिएशन का भी हूँ, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और मिशन मोटिवेशन के साथ में जुड़ने के बाद में जिस प्रकार की मुझे अनुभूति हो रही है, जो आज हमारा भारत देश विश्व गुरु की तरफ बनने को जा रहा है,
उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी जो है, जो गीता परिवार इतना अथक प्रयास कर रहा है, जिन्होंने 70 से 80 स्कूलों में से जाके 10,000 बच्चों को प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया और उनका अभ्यास कराया गीता पठन के लिए, और वो आज इतना सुंदर तरीके से बच्चों ने जो यहाँ पे पठन किया है वो देखने लायक था। ये चीज़ देखने के बाद में हम बोल सकते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। उस गीता पठन के अंदर में जिन टीचर्स लोगों ने जो इतना प्रयास किया, हम मिशन मोटिवेशन की तरफ से उनको एक छोटा सा मोमेंटो दे के हम कृतार्थ होंगे जो वो अगर इसको ग्रहण करेंगे तो। उसके लिए एक छोटी सी ये भेंट हमारी तरफ से, मिशन मोटिवेशन की तरफ से। जय श्री कृष्ण सभी को। जिस तरह से गीता जयंती पर यहाँ पर 10,000 बच्चों का गीता पठन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इससे एक संदेश तो ये जाता है कि जब गीता जी का पठन होता है तो जो वाइब्रेशन है वातावरण को बहुत ही पवित्र और शुद्ध बनाती है, और दूसरा कि हर बच्चे के मन में गीता जी पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। जैसे राम कथा के साथ साथ गीता पठन का प्रोग्राम जो हुआ उसमें गुरुजी द्वारा संदेश दिया गया कि राम कहाँ है, तो हर व्यक्ति के अंदर राम है, और क्योंकि बच्चे सम्मिलित थे तो गुरुजी द्वारा बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया कि बच्चा बच्चा राम है। तो ये जो संदेश हमें गुरुजी द्वारा मिला है, ये हर बच्चे के मन में जागृत करने की आज के समय में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये जो छोटे बच्चे हैं जो गीली मिट्टी की तरह है, जिन्हें हम आकार दे सकते हैं, अगर इन्हें हमने नहीं सिखाया या इन्हें हमने नहीं बताया, तो ये आगे चल के जैसे धीरे धीरे पाश्चात्य बढ़ रही है तो आगे चल के भविष्य बड़ा ही खतरे में है। जैसे राम जी का राज था, फिर कृष्ण जी आए, वैसे अभी कलयुग में जैसे कल्कि आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी से हमारे बच्चे अध्यात्म की तरफ जाए, अपने धर्म को समझे, कोई और उनको आके उनका धर्म ना सिखाए, तो इसके पहले हम ही उन्हें उनका धर्म बताएं, उनका धर्म सिखाए, राम क्या है, गीता जी क्या है, रामायण क्या है, ये हमारे ही द्वारा उनको पता चले, ऐसा हमारा सोचना है, और ऐसे ही हमारा एक कदम हमने उठाया कि हम अपनी तरफ से पहले कोशिश करें कि हम ऐसा कर पाए। आज का भविष्य जो है हमारे बच्चे, वो भगवत भक्ति के राह पर चले और विवेकानंद जी का जो संदेश है, उनका जो मार्ग है, उसके पथ पर चले और आगे अपना जो आगे वाला जो हम आगे वाली हमारी जो पीढ़ी है वो उज्ज्वल बने, यही कामना करते हैं, यही हमारा जो हमारा मोटिवेशन है, हमारा प्रयास है, यही रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामकथा में आके एक अनुभव हुआ है कि 22 जनवरी को जब दिव्य राम मंदिर में राम जी स्थापित हो गए, उस समय हम वहीं के कोषाध्यक्ष गिरिजी महाराज के सानिध्य में हमने जो कुछ सीखा, और हमें ये प्रेरणा भी मिली है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसमें हमने जो योगदान उस जन्म में शायद दिया होगा वानर के रूप में, तो इसलिए हम आज इस राम काज में काम कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम कथा हमको हमारे जो नई पीढ़ी है उसको अच्छे से समझाना चाहिए, बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज को भी उनकी माता ने महाभारत और रामायण पढ़ाया, उनको सुनाया, सिखाया, तब जाकर के स्वराज्य की उनके अंदर आग जागी। ऐसे जब हम हमारे बच्चों को, छोटे जो है नई पीढ़ी, उनको हम रामायण और महाभारत की शिक्षा देंगे, उनको सही रास्ता समझ आएगा कि हमको धर्म से कैसे चलना है, हमारा धर्म क्या कहता है, तो बच्चों के अंदर जो जैसे शिवाजी महाराज का भाव है वो जागृत होगा, बच्चा बच्चा शिवाजी बनेगा आगे चल के। बस मेरा इतना ही कहना है। गीता जयंती का ये जो हमने अभी 23 तारीख को कार्यक्रम लिया था, ये करीबन एक साल पहले हमने तय कर लिया था कि गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आज़ादी के 75 साल और स्वामी जी के 75वां जन्मदिन, इस उपलक्ष्य पर, गीता जयंती के उपलक्ष्य पर नागपुर के 75 स्कूलों में से 7,500 विद्यार्थियों का 12वां और 15वां अध्याय कंठस्थ करते हुए वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये तैयारी चलती चलती रही और जनवरी से अप्रैल तक हमने स्कूलों में से रजिस्ट्रेशन किया, और अगस्त महीने से हमारे प्रशिक्षकों ने हर एक स्कूल में जाके गीता का शास्त्रोक्त उच्चारण कैसा करना चाहिए, एक लय में उच्चारण कैसा करना चाहिए, इस बारे में प्रशिक्षण दिया। ये अगस्त महीने से दिसंबर 15 तक ये कार्यक्रम स्कूलों का चलते रहा।
इसका रिस्पांस इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि हमने जो 7,500 विद्यार्थियों का जो कार्यक्रम करने वाले थे वो और 75 स्कूलों में से करने वाले थे, वो 81 स्कूलों में से 10,200 विद्यार्थी का यह कार्यक्रम आचार्य परम पूज्य आचार्य गोविंद देव गिरी जी के सामने प्रस्तुत किया गया और सभी ने इस गीता का जो पठन का आनंद है वो व्यक्त कर दिया। खास तौर पे एक ऐसी बात है, स्वामी जी का ये कहना है कि हर घर में गीता, तो इस सिलसिले में जो 10,200 बच्चे आए थे उनको जो गिफ्ट दिया गया ये भी गीता का ही किताब दिया गया और इस तरह से नागपुर के गीता परिवार ने इस कार्यक्रम के दौरान 10,500 घरों में गीता का पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने इतना शांति से और उनके टीचर्स ने इतना कोऑपरेशन दिया, हेडमास्टर और इंस्टीट्यूशन जो हेड है उन्होंने सहकार्य दिया। यदि उनका सहकार्य नहीं मिलता था तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाता था। मैं गीता परिवार नागपुर की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जय गीता मैया की जय। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र, पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात। नमस्कार। 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारचे जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान। आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे, मग वाट कोणाची बघताय? आताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर महाजन मार्केट जवळ टेम्पल बाजार रोड सीताबर्डी नागपूर। संपर्क साधा 86 05 24 50 80। लँडलाईन नंबर 07 12 25 67 74 7।